तो दोस्तों ये है सुजुकी की बर्गमैन BS6 2021 वेरिएंट और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे ये है व्हाइट कलर। इससे पहले हम सुजुकी बर्गमैन BS6 2021 वेरिएंट के ब्लू कलर का रिव्यू कर चुके हैं, तो उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम जिस किसी भी बाइक का रिव्यू करते हैं या फिर जिस किसी भी स्कूटी का रिव्यू करते हैं हम उसके सारे कलर वेरियंट का रिव्यू करते हैं ताकि आप घर बैठे अपनी मनपसंद बाइक या स्कूटी का मनपसंद कलर चूज कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजुकी बर्गमैन BS6 2021 वेरिएंट के व्हाइट कलर के बारे में। तो आप इसका स्क्रीन पे कलर देख पा रहे होंगे, ये व्हाइट कलर में मौजूद है, तो आप इसका कलर देख लीजिए, काफी प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और सुजुकी बर्गमैन BS6 2021 की प्राइस आपको कितने रुपए देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है सुजुकी बर्गमैन BS6 2021 वेरिएंट और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सुजुकी बर्गमैन का स्ट्रीट वेरिएंट है, तो इस चीज का आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये बर्गमैन स्ट्रीट मॉडल है। इसमें आपको और भी वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले आप इसका कलर वेरिएंट देख लीजिए, ये है व्हाइट कलर। इसके अलावा इसमें आपको ब्लू, ग्रे, ब्लैक और मैरून कलर देखने को मिल जाता है। तो इसके ब्लू कलर का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पॉपअप कर रहा होगा वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये इसका व्हाइट कलर वेरिएंट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, काफी प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है। तो गौर से सुनिएगा, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 85,533 रुपीज यानी 85,533 रुपए देखने को मिल जाएगी, कंप्लीट एक्स शोरूम प्राइस यूपी वाराणसी की प्राइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन से। तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, तो इस चीज का गौर कर लीजिएगा कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, तो नो डाउट आपकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। जो फ्रंट का टायर है वो आपको 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, तो ये काफी सही चीज है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। वहीं फेंडर पे आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि BS6 के अपडेट में आते हैं। जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलती है। और यहाँ फेंडर पे आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में आपको FI यानी फ्यूल इंजेक्टेड सप्लाई सिस्टम की बैचिंग देखने को मिल जाती है जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। और ये है इसका मेन हेडलैम्प जो कि आपको बॉडी फिटेड देखने को मिलेगा हेडलैम्प के ऊपर। यहाँ पे आपको एक वाइजर देखने को मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि 3D एम्बर्ड क्रोम फिनिश में रखी गई है। और इसमें आपको बेजल क्रोम देखने को मिल जाता है, यानी इसके बेजल पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, ये इसके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और हेडलैम्प आपको यहाँ पे फुली LED सपोर्ट के साथ हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, तो नो डाउट इसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको काफी बेहतर मिल जाती है। जो इसके इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बॉडी फिटेड इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी इसके लुक को और भी बेहतर बनाता है। और जिसका हेडलैम्प है वो भी आपको बॉडी फिटेड देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंडल बार पे आपको जो स्विचिंग क्वालिटी मिलती है वो आपको काफी बेहतर मिलती है। इसमें आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच एक ही स्विच में देखने को मिलता है, यानी इंटीग्रेटेड स्विच देखने को मिल जाता है। और उसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर रखी गई है। यहाँ हैंडल के बीच में आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि आपको 3D एम्बर्ड में देखने को मिलेगी। जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो इसका मीटर कंसोल है, क्योंकि इसमें आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है जो कि मल्टी फंक्शन पे ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन ऑपरेटेड फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको फुली डिजिटल देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीजें आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाती है। उसके साथ इसमें आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट और आपको लो फ्यूल इंडिकेटर भी डिजिटल देखने को मिल जाता है, तो इस स्कूटी में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, तो ये काफी सही चीज है। वहीं राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच और पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच एक ही में देखने को मिलता है, यानी इसमें आपको इंटीग्रेटेड स्विच देखने को मिल जाता है। एक ही स्विच से आप तीन फंक्शन को ऑपरेट कर पाएंगे, आप अपने इंजन किल स्विच से ही इंजन को ऑफ कर पाएंगे और उसी से अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर पाएंगे, तो ये काफी सही चीज है कि एक ही स्विच में आपको तीन फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इग्निशन स्विच, जहाँ पे आप अपनी चाबी को लगा के इस स्कूटी को ऑपरेट कर पाएंगे। और उसके नीचे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जिसमें आपको काफी बेहतर स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और इसके इग्निशन स्विच में आपको लॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, अगर
आप इसके इग्निशन को लॉक कर देते हैं तो कोई भी थर्ड पर्सन इसमें चाबी को लगा नहीं सकता है, जब तक कि उसके पास आपकी ओरिजिनल चाबी नहीं मौजूद होगी। और ये है इसका बूट स्पेस, जहाँ पे आपको काफी बेहतर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप अपने हेलमेट या किसी भी सामान को रख सकते हैं और इसमें आपको बूट लाइट भी देखने को मिल जाती है, तो ये काफी सही चीज है। और जो इसका फ्यूल टैंक है वो भी आपको इसके सीट के नीचे ही देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और इसमें आपको प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ सीट के आगे आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब रील देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो फुट स्पेस मिलता है वो भी आपको काफी बेहतर मिल जाता है। और यहाँ पे एक हुक प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें आप अपने किसी भी सामान को कैरी कर पाएंगे। फ्रंट में आपको ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ठीक ठाक स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, तो आप अपने किसी भी सामान को इसमें रख पाएंगे इजीली। और यहाँ पे हम आपको इसका फुट स्पेस दिखा रहे हैं बैठ के, कि बैठने के बाद में आपके पैर और इसके बॉडी के बीच में आपको जो स्पेस मिलता है वो आपको काफी बेहतर स्पेस देखने को मिल जाता है, तो आपको टर्निंग टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लंबी हाइट के हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको जो फुट स्पेस दिया गया है वो आपको काफी बेहतर मिल जाता है। जो इसका सीट कम्फर्ट है वो आपको काफी बेहतर मिल जाता है, सिटिंग कम्फर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसमें आपको काफी आरामदायक सीट देखने को मिलता है। वहीं इसके साइड में आपको बर्गमैन स्ट्रीट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको किक भी मिल जाता है, तो इनकेस अगर आपकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है तो आप किक से भी इस स्कूटी को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 8.7 PS की मिलती है 6750 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो आपको 10 न्यूटन मीटर का मिलता है 5500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आपको काफी बेहतर मिल जाता है। और वहीं अगर हम इसके रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और जो रियर का टायर है वो आपको 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इस चीज का गौर कर लीजिएगा कि फ्रंट में आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और रियर में आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन में जो आपको टेल लैंप मिलता है, यहाँ पे आपको फुल LED सपोर्ट के साथ टेल लैंप देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बॉडी फिटेड देखने को मिलेगा। और जो इसके इंडिकेटर है वो आपको बल्ब वाले मिलेंगे, और उसके नीचे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। फेंडर पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको स्टिकरिंग में देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे साइड भी आपको बर्गमैन स्ट्रीट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि 3D एम्बल्ड क्रोम फिनिश के साथ में रखा गया है, तो इसके लुक को और भी बेहतर बनाता है। और उसके साइड में आपको SEP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। जो रियर सेक्शन का आपको सस्पेंशन मिलेगा वो आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो सस्पेंशन क्वालिटी भी आपको काफी बेहतर मिलती है। और यह है इसका एग्जॉस्ट, जो कि आपको एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जो कि इसके ट्यूनिंग को भी और भी ज्यादा बेहतर बनाती है। जो इसका माइलेज है वो आपको 45-50 का माइलेज आसानी से देखने को मिल जाएगा, तो इसका माइलेज भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके फ्रंट से लुक की बात करें तो फ्रंट से इसका लुक आपको काफी स्पोर्टी देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हो गई, बात कर लेते हैं थोड़े से इसके डायमेंशन की। तो जिसकी लंबाई है वो आपको 1880 mm, चौड़ाई 715 mm, हाइट 1140 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, और सीट हाइट आपको 780 mm की मिलेगी। जो इसका कर्व वेट है वो आपको 110 kg का देखने को मिलेगा, तो मतलब काफी लाइट वेट आपको ये स्कूटी देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस हम आपको बता चुके हैं, इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 85,533 रुपीज यानी 85,533 रुपए देखने को मिलेगी। वहीं जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 1,05,000 to 1,08,000 रुपीज यानी 1,05,000 से 1,08,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस UP वाराणसी की। तो ये थी इस स्कूटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।